राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में देश का संविधान खतरे में है और इस संदर्भ में संविधान को बचाने के लिए राजीव गांधी पंचायती राज संगठन संविधान के रास्ते कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दीपक राठौर ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में संविधान के रास्ते थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में केंद्र की मोदी सरकार ने जो चुनावी वायदे किए थे वे पूरे नहीं हो सके हैं और प्रधानमंत्री चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार धरातल पर कोई भी काम नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया है और लोकसभा चुनाव में ये चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस पार्टी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा का जो चलन चला आ रहा है उसे रोकना होगा ताकि लोकतंत्र को खतरा पैदा ना हो। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना कांग्रेस का मुद्दा नहीं है बल्कि देश की रक्षा करना और खतरे में जा रहे लोकतंत्र को बचाना एक प्रमुख मुद्दा है। पिछले 5 वर्षों में जब मोदी सरकार जी के पास कोई भी ये काम ऐसा गिनने के लिए नहीं था जो ज़मीन पर उतरा हो, उन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं का जो हरण पिछले 5 वर्षों में किया है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है, इस विषय को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। जहाँ RBI की हम बात करें उसके ऊपर दबाव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें उसके ऊपर दबाव है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं CBI है उसके ऊपर दबाव है, हमारा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर निकल कर कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में घटित हो रहा है वो सब ठीक घटित नहीं हो रहा है। अगर हम बात करते हैं पत्रकारिता के माध्यम से जो चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे लोकतंत्र का, उसके ऊपर दबाव है। एक ऐसा जाल हिंदुस्तान के अंदर में बुना गया है कि जो सरकार और मोदी जी का विरोध करेंगे उनको देशद्रोही कहा जाएगा, जो उनसे प्रश्न करेगा उनको देशद्रोही कहा जाएगा। मुझे डाउट है, मुझे शक है कि इस तरह से हमारा जो लोकतंत्र है ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। इन विषयों को लेकर हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ब्लॉक के माध्यम से पंचायत तक उतरेगा और अगले 60 दिनों में हमारे सारे कार्यकर्ता फील्ड में जाकर एक विषय को बड़ी मजबूती के साथ जनता के बीच में रखेंगे कि जो अगला चुनाव है वो देश को बचाने का चुनाव है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। इसको हम भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी वर्सेस देश का जो हम एक रूप देने की कोशिश करेंगे, इस विषय को लेकर हम जनता के बीच में अगले 60 दिनों में रहेंगे।